नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। आज देश भर से कुछ बड़ी खबरें आ रही है। चलिए दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरों की बात करते हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आ रही, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। केजरीवाल के साथ 6 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि युवाओं को नौकरियां दी योगी सरकार है। अब रोजगार के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार का काम होता है कि नौकरियां दे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हर साल बेरोजगारों को बढ़ाने का काम कर रही है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही, अमित शाह से मिलेगी साइन बाग की प्रदर्शनकारी महिलाएं। हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिल्ली के साइन बाग में काफी दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। करीब 2 महीने गुजरने के बाद भी प्रदर्शनकारियों की नहीं सुनने पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की बात सामने आई है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने शनिवार को कहा कि अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूरे देश को आमंत्रित किया है। साइन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन करने वाली महिलाएं आज अमित शाह से मिलने जाएगी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही, किसान संघ ने कहा कि किसानों की समस्याओं का निदान खोजने में विफल रही सरकार है। हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ ने कहा है कि सरकार के तमाम उपाय न तो किसानों की समस्या का निदान खोज पाए हैं और न ही उसे आत्मनिर्भर बना पाए हैं, बल्कि समय के साथ किसान गरीब और लाचार होता जा रहा है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर दिया बड़ा बयान है। पीएम नरेंद्र मोदी को बताया भगवान है। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बेगूसराय के कार्यक्रम में कहा कि भारतवंशी और भारत माता को जो भी आंखें दिखाएगा उसकी आंखें निकाल दी जाएगी, क्योंकि नए भारत का उदय हो चुका है। उसके साथ ही नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बता दिया। उन्होंने कहा कि बुरा ना माने तो भगवान का उदय हो चुका है, जिसे आपने 303 सीट देकर विजय बनाया है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगमन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। रोड शो के दौरान तैनात रहेंगे 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी। हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को अहमदाबाद में रोड शो में 25 वरिष्ठ IPS अफसरों के नेतृत्व में 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पहली बार 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद में एक रोड शो में शिरकत करेंगे और साबरमती आश्रम का दौरा भी करेंगे। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस में मचा हुआ बवाल है। सोनिया गांधी तक पहुंची कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तकरार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच चल रही खींचतान अब मुकर होकर सामने आ गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक बैठक रखी थी, सिंधिया बैठक को बीच में छोड़कर चले गए थे। वहीं कमलनाथ भी सिंधिया को लेकर सख्त दिखे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी सिंधिया जी के साथ है। हम सबने घोषणा पत्र में मिलकर वादे किए थे, 5 सालों में कमलनाथ जी सभी वादों को पूरा करेंगे। ज्यादातर वादों पर काम भी तेजी से चल रहा है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने फिर मांगा समय। कुछ दिनों में सरकार को चुकाएगी बकाया। टेलीकॉम कंपनियों को करीब 1.47 लाख करोड़ का AGR बकाया चुकाना है। बकाया चुकाने की डेडलाइन शुक्रवार की रात 12 बजे ही खत्म हो चुकी है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, 17 करोड़ लोगों के पैन कार्ड 45 दिन में हो सकते हैं रद्द। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी चेतावनी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस साल की 31 मार्च तक अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड से जुड़े कुछ काम रुक सकते हैं और पैन कार्ड को रद्द भी किया जा सकता है, क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए तारीख को कई बार आगे बढ़ाया गया है। अब इसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च है।